हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको पता है कुवैत में फैमिली वीजा, वीजा नंबर 18 एंड वीजा नंबर 20 रिन्यू करने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ता है? आपने सुना होगा 500 KD, 600 KD, 700 KD पे करना पड़ता है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे कितना पैसा पे करना पड़ता है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुवैत का जो वीजा नंबर 18 होता है ये होता है कंपनी का वीजा। वीजा नंबर जो 20 होता है ये होता है घर का वीजा, डोमेस्टिक वर्कर का वीजा। एंड आपको तो पता ही है जो डिपेंडेंट वीजा होता है वो फैमिली वीजा होता है। तो गाइस, कुवैत का जो वीजा होता है ये साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है। साल में हो, 2 साल में हो, रिन्यू करना पड़ता है हर किसी को। आप एक बार आपको कुवैत का वीजा मिला है, एंट्री वीजा, ये लेके आपने कुवैत में एंट्री कर लिया। यहाँ पे आने के बाद आपका एकामा लगा दिया जाएगा। उस एकामा का वैलिडिटी रहेगा 1 साल का। अगर कंपनी का वीजा है तो 1 साल का रहता है, अगर घर का है तो 2 साल का भी हो सकता है। कंपनी का भी 2 साल का लगा सकते हैं, कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 1 साल का रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करना ही पड़ेगा। 2 साल का है तो 2 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो ये रिन्यू करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, पैसा लगता है। अभी जो वीजा नंबर 18 है, वीजा नंबर 18 रिन्यू करने के लिए कुवैत में बस 70 KD पे करना पड़ता है। वीजा नंबर 20 रिन्यू करने के लिए बस 20 KD पे करना पड़ता है। एंड फैमिली वीजा रिन्यू करने के लिए कुवैत में 55 से लेकर 65 KD तक पे करना पड़ता है। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि एक वीजा का कीमत, कोई बोलता है 600 दिनार लगता है रिन्यू करने के लिए, कोई बोलता है 500। तो इतना पैसा कहाँ जाता है? आपका जो कफील है, जो एम्प्लॉयर है, जिनसे आपने वीजा लिया है, आप उनको पे करते हैं। वो लोग वो पैसा रख देते हैं, बस 70 KD। अगर 18 नंबर वीजा है तो वो लोग पे करते हैं, 20 नंबर वीजा है तो बस 20 KD पे करते हैं, बाकी वो अपना चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियली बस इतना ही पे करना पड़ता है। एंड फैमिली वीजा का तो 55 से 65 KD तक हो जाता है। अभी ये पैसा कौन पे करेगा? आपको पे करना है या आपका एम्प्लॉयर पे करेगा? तो देखिए, अगर आप कंपनी का काम पे आएंगे कुवैत में, कंपनी का अंडर में वीजा लेके आए हो, उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी पे करेगा। अगर आप 20 नंबर वीजा पे आए हो एंड जिस कफील ने आपको वीजा दिया उसी का घर पे आप काम कर रहे हो तो आपको पे करने का जरूरत नहीं कि वो आपका कफील भी पे करेंगे। मतलब आप जिस काम के लिए आए हो, जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया है या जिस घर पे आप आए हो, उसी जगह पे आप काम कर रहे हो तो आपको पे करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये वो लोग पे करते हैं जो लोग वीजा खरीद के आते हैं, एक जगह का वीजा लेके आके अपना मर्जी से काम करते हैं, उसी वीजा में बस वो लोगों को पे करना पड़ता है। आपका जो वीजा होता है ये आपका कंपनी पे करेगा। ये जो अमाउंट है आपका कंपनी, आपका कफील पे करेगा। अगर आप उस कंपनी में या उन कफील का घर पे काम कर रहे हो तो आपको पे करने का जरूरत नहीं है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।